पूरा देश माननीय मोदी जी का परिवार है, बिहार पूरा बिहार उनका परिवार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार है, तो परिवार का कोई अंग छोटा न रह जाए, परिवार का कोई हिस्सा अछूता नहीं रह जाए, विकास के मुख्य धारा से अछूता नहीं रहे, विकसित प्रदेशों के श्रेणी में खड़ा करने के लिए बिहार की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से भारत सरकार को हम लोग को मदद करनी चाहिए। 24 में आप लोग सरकार तो गिराने वाले लगे रहते हैं, लेकिन सरकार कहाँ गिरने वाली है, सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है, और जो 18 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है वही बिहार की जनता को दिख रहा है, बिहार की जनता को दिखेगा, और बिहार उसी काम के आधार पर नीतीश कुमार जी के शासन को पूरा। श्रवण कुमार है हमारे साथ बातचीत के लिए, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार विधानमंडल दल की बैठक हुई है और बैठक में क्या कुछ हुआ है। मंत्री जी, विधानमंडल की दल के बैठक में हम सब के नेता नीतीश कुमार जी ने अपने सभी माननीय विधायकों से अपील की है कि आप अपने क्षेत्र में रहें, ज़्यादा क्षेत्र पर ध्यान दें, और जो सरकार ने काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, यही अपील किया है। और इस बार लक्ष्य 220 का लक्ष्य है, उसको पार करना है। तो सवाल ये भी है कि आप लोग का मुख्य मुद्दा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिल सकता है। नहीं, हम लोग अभी भी आशान्वित हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कई तौर तरीके हैं, और बिहार भारत सरकार के सहयोग से आगे बढ़ता रहा है, और जिन क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा है, जिन क्षेत्रों में बिहार की कमी है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार जरूर विचार करेगी। हम लोग आशान्वित हैं, जब पूरा देश माननीय मोदी जी का परिवार है, बिहार पूरा बिहार उनका परिवार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार है, तो परिवार का कोई अंग छोटा न रह जाए, परिवार का कोई हिस्सा अछूता नहीं रह जाए, विकास के मुख्य धारा से अछूता नहीं रहे, विकसित प्रदेशों के श्रेणी में खड़ा करने के लिए बिहार की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से भारत सरकार को हम लोगों को मदद करना चाहिए। 24 में आप लोगों ने कहा था, 425 में कह रहे हैं 220, कितना लगता है? लक्ष्य निर्धारित करना अच्छी बात है, लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, हम लोगों ने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए उसके हिसाब से जनता पूरी हमारी मदद करेगी, पूरा सहयोग करेगी। क्या विधायकों ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं, कहा जा रहा है कि विधायकों की बात नहीं सुनी जाती, इस तरह की कंप्लेन भी हुए हैं? विधायक ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, विधायकों ने ये कहा है कि हम लोगों के क्षेत्र में कुछ और काम होना चाहिए जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, कहा जा रहा है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं कही है, ऐसी बात किन्होंने नहीं कही है, कही है कि हमारे क्षेत्र में पुल पुलिया सड़क बिजली और तरह के अन्य तरह के इशू को उन्होंने उठाया है, उसको रिजॉल्व करेंगे, सरकार में जो लोग हैं उसको सभी मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आप सभी लोगों से बातचीत करके अपने विभाग की चीज़ों को रिजॉल्व करें। पुल पुलिया की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष ने आज ही सवाल खड़ा किया है, कहा है पुलिया गिर जाए तो गिर जाए लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। नहीं, सरकार तो गिराने वाले लगे रहते हैं, लेकिन सरकार कहाँ गिरने वाली है, सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है, और जो 18 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है वही बिहार की जनता को दिख रहा है, बिहार की जनता को दिखेगा, और बिहार उसी काम के आधार पर नीतीश कुमार जी के शासन को पुनः लौटाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो वो इस्तीफा दें, विपक्ष मजबूत है। तो लालू जी उस समय इस्तीफा दिए थे जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश में प्रधानमंत्री थे, और हम लोग उन्हें विशेष राज्य का दर्जा लेके गए थे, मांगने गए थे, बिहार के लोगों का हस्ताक्षर भी लेके गए थे, दोनों सदनों से पारित करके भी गए थे। तो लालू जी इस्तीफा किए थे, भारत सरकार उनका इस्तीफा हुआ था। इस तरह से दूसरे के उपदेश देने के लिए हमारे सब बिहार में नेता लोग बात करते हैं, बिहार कहाँ था, बिहार को कहाँ पहुँचाया, इसका आकलन लालू जी के करके बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 2005 से पहले बिहार कहाँ था और 2005 के बाद बिहार कहाँ पहुँच गया। आप लोग मांझी जी को डैमेज करना चाहते थे क्या? मांझी जी कह रहे हैं, मांझी जी की बात हमने नहीं सुनी है, लेकिन हम लोग सब लोग मिल करके आगे बिहार को ले जाना चाहते हैं, जिसमें मांझी जी का भी सहयोग है, और हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप चाहते थे कि मांझी जी की पार्टी आगे नहीं बढ़े, नीतीश कुमार ये चाहते थे, खुले मंच से कह रहे हैं जीतन राम मांझी। हम लोग नहीं चाहते तो वो MP कैसे बन जाते, हम लोग नहीं चाहते तो उनके MLA कैसे बन जाते,
हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं वो हमारी मदद करते हैं, कहीं हम मदद करते हैं, और दोनों के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भी बने थे जीतन राम मांझी, हाँ, तो मुख्यमंत्री भी बनाने में नीतीश कुमार जी का योगदान था, तो इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मांझी जी इनकार कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं लगता है कि इनकार करते हुए, कहीं कुछ ऐसी बात हम तो सुना नहीं है, लेकिन कहीं कुछ ऐसी बात प्रसंग होगी जिसके कारण ये बात कही होगी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे। वनिश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।